जनसंघर्ष यात्रा के कार्यक्रम में 130 किलोमीटर की लंबी तपती धूप में यात्रा करके आए हिंदुस्तान के युवा हृदय सम्राट 36 कौम की आवाज हमारे लाडले सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी हेमाराम जी, हमारे विधानसभा के साथी विधायकगण, सम्मानित मंच, आज का ये कार्यक्रम पायलट साहब पिछले 25-30 साल के अंदर मीटिंगें हमने सभाएं बहुत देखी है, ऐसा जज्बा ऐसा जोश मैंने आज पहली बार देखा है। मैं बताना चाह रहा हूं हिंदुस्तान के नेताओं को, जो लोग हमारी राजस्थान सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है, सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया, धारीवाल जी बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छा अच्छू को पानी पिला दिया, धारीवाल जी राजस्थान की प्यासी जनता को पानी पिला, हमारी राजस्थान की जनता मई जून में प्यासी है, इसको पानी पिला। आपके ऑफिस में से कोई भी फाइल भ्रष्टाचार के बिना नहीं निकलती, आपके ऑफिस में से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूछा शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे, शिक्षकों का सम्मेलन था और पूछा कि ट्रांसफर बिना पैसे होते हैं क्या? बोला नहीं होते, मास्टरों के ट्रांसफर पैसे बिना नहीं होते। भरत सिंह जी कुंदनपुर 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे, चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया, भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी आपके और वसुंधरा जी के साथ साथ ही कोरोना होता है, कोरोना मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मिली जुली सरकार मुख्यमंत्री जी आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगरी थी? ये उनका मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है, भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटा। वो आप हेमाराम जी जैसे पाक दामन आदमी पर दाग उठाते हो, मैं कहता हूं भरत सिंह जी कहां है, हेमाराम जी कहां है? अरे इस आदमी पर 100-100 करोड़ रुपए की जमीन 25-25 करोड़ रुपए लगा के, और मैं कहता हूं पायलट साहब
राजस्थान में कहीं भी चले जाना, लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा है। और हमारे गहलोत साहब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। गहलोत साहब 21 पर आ गए थे, 21 पर पायलट साहब ने आपको 100 पर पूछा के मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाके एक एक नौजवान का विश्वास लिया और ईमान लेके आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में गहलोत साहब ने तो विपक्ष पायलट साहब को ही मान रखा है, विपक्ष नहीं है गहलोत साहब का, विपक्ष सिर्फ पायलट साहब है। मैं कहता हूं पायलट साहब लाखों की नहीं करोड़ों नौजवान आपके साथ है। और हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। इस राजस्थान के नौजवान के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, बचाओ इसको, इस नौजवान के सपनों को बचाओ। ये 36 कौम का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है। और मैं कहता हूं आप हमारे नेता हो, जो भी फैसला करेगा वो मंजूर है, लेकिन मैं कहता हूं फैसला वो करना 2023 का फैसला ये जनता ये नौजवान करेगा। आपके 24 घंटे के अल्टीमेटम पर लाखों लोग आ जाते हैं, जगह कम पड़ गई, जनता पायलट साहब को सुनना चाहती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह देता हूं, हमारी सरकार कर्नाटक की सरकार का जो 40% भ्रष्टाचार का मामला था उससे बाहर जा रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने, हमारा अलाइनमेंट खराब है, पायलट साहब ठीक करो, धारीवाल का अलाइनमेंट खराब है उसको भी ठीक करो। अरे ओ बुड्ढो बावड़ो गो, जय हिंद जय भारत।